हेलो दोस्तों, गेट्स मैशेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बी ट्री का इंट्रोडक्शन पार्ट। तो देखो, बी ट्री की अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं हम डायनामिक मल्टी लेवल इंडेक्स। मल्टी लेवल इंडेक्सिंग के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक क्वेश्चन भी एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जनरली मल्टी लेवल इंडेक्स में हम करते क्या है, सेकेंडरी मेमोरी में हमारा पूरा का पूरा डेटा पड़ा है। मतलब लेट्स से हमारे पास नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, उन सारे रिकॉर्ड्स को हमने सेकेंडरी मेमोरी में डाल दिया। अब उन मेमोरी के अंदर जितना भी हमने डेटा डाला उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम क्या बनाते हैं, इंडेक्स बनाते हैं। टाइप्स ऑफ इंडेक्सेस, और ये सारा मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। प्राइमरी इंडेक्स, क्लस्टर, सेकेंडरी इंडेक्स, स्पार्स क्या होता है, डेंस क्या होता है, ये सारा ऑलरेडी आपको लिंक में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जितने भी लिंक दिए हुए हैं वो सारा जो है इंडेक्सिंग का इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको उसमें मिल जाएगा। अब होता क्या है, जब हम लाइक डेंस बनाते हैं तो डेंस में होता क्या है कि हर एक एंट्री के लिए यहाँ पे मेरे पास एक इंडेक्स में भी एंट्री होती है। और इंडेक्स में हम जनरली रखते क्या है, दो ही चीजें रखते हैं, की वैल्यू और पॉइंटर। मतलब की वैल्यू मतलब जिसके बेसिस में मुझे सर्च करना है। जैसे अगर हम सिंपल से एग्जांपल लें, आपके कॉलेज आपकी यूनिवर्सिटी में अगर आपके प्रोफेसर को आपकी कोई डिटेल निकालनी हो, ऑनलाइन, ऑफलाइन की बात नहीं कर रहा, रजिस्टर वगैरह में नहीं, ऑनलाइन अगर कोई एंट्री निकालनी हो आपके यूनिवर्सिटी कॉलेज में, तो वो क्या यूज करेगा, वो की वैल्यू कौन सी यूज करेगा, या तो आपका रोल नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर, क्योंकि मुझे पता है वो यूनिक है और उसके बेसिस पे सर्च करना ईजी है। तो एक तो की वैल्यू, दूसरा पॉइंटर, ताकि इंडेक्स का साइज ज्यादा बड़ा ना हो। जैसे बुक के आगे होता है, बुक के आगे इंडेक्स में आपको की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब टॉपिक का नाम, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंटर, पॉइंटर मतलब पेज नंबर। फिर आप उस पेज पे जाके पूरे टॉपिक की डिस्क्रिप्शन देख सकते हो जो कि सेकेंडरी मेमोरी में पड़ी है। मतलब एक तरह से आपको विजुलाइज करना पड़ेगा, इस तरीके से हमारे पास आर्किटेक्चर है। अब जब इंडेक्स का साइज कई बार काफी बड़ा हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उसका भी मल्टी लेवल कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब इंडेक्स का भी आगे एक इंडेक्स बना देते हैं और उसका भी आगे एक इंडेक्स बना देते हैं। तो ये जब इतने लेवल्स बढ़ जाते हैं ना, तो इनमें इंसर्ट करना और डिलीट करना मुश्किल हो जाता है। मतलब लेट से कोई एलिमेंट मैंने इंसर्ट किया सेकेंडरी मेमोरी में, तो मुझे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहां यहां सब चेंज करने पड़ेंगे। ऐसे डिलीट किया तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो है वो वैल्यूज को डिलीट करना पड़ेगा, तो वो जो है वो डिफिकल्ट हो जाता है। तो उस चीज को रिमूव करने के लिए या उस चीज को बेटर करने के लिए हम यूज करते हैं ट्री डेटा स्ट्रक्चर को, और उसमें हम स्पेशली यूज करते हैं बैलेंस्ड ट्री, दैट इज बी ट्री। तो बी ट्री जो है वो जनरली हम यूज करते हैं मल्टी लेवल इंडेक्सिंग के लिए। मतलब हमारा डेटा एज इट इज पड़ा है, लेकिन अब हम इंडेक्स बनाएंगे यूजिंग द ट्री डेटा स्ट्रक्चर। अब ट्री के बारे में आपको ऑलरेडी पता ही है कि ट्री के अंदर होते क्या है, नोड्स होते हैं, एजेस होती हैं। जैसे इस तरीके से हम ट्री बनाते हैं, सिंपल, दैट इज कॉल्ड योर रूट नोड, दीज आर ऑल योर इंटरमीडिएट नोड्स, एंड दीज आर योर लीफ नोड। रूट, लीफ, लीफ एंड इंटरमीडिएट, जो बीच में आती है दैट इज योर इंटरमीडिएट। लीफ को भी आप कह सकते हो और दैट इज योर रूट एलिमेंट। तो देखो, रूट के अंदर हम वैल्यू डालते हैं, एजेस के साथ हम कनेक्टेड करते हैं, साइकिल इसके अंदर होता नहीं है क्योंकि ग्राफ में साइकिल होता है, लेकिन ट्री जो है वो ए साइक्लिक होता है। अब देखो, यहां पे हम ट्री से थोड़ा अलग स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, क्योंकि एक तो ये बैलेंस्ड है। बैलेंस का मतलब है कि सारे एलिमेंट जो है वो लीफ नोड के एक ही लेवल पे होंगे, लेकिन यहां पे ऐसा हो सकता है लाइक इस तरीके से मैं बना सकता हूं, क्या ये ट्री है, ये भी ट्री है, लेकिन यहाँ पे ये बैलेंस नहीं है क्योंकि इसमें जो है इसका आगे लीफ नोड यहाँ पे है लेकिन इसके आगे कोई भी लीफ नोड नहीं है, तो दैट इज योर अनबैलेंस्ड। क्योंकि ये जो लीफ है ये लेवल वन पे और ये लेवल टू पे, तो ये बैलेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमेशा क्या बनेगा, बैलेंस। अब जो भी हम बी ट्री के अंदर बात करेंगे, इसमें हम सबसे पहले नोमेनक्लेचर, मतलब क्या क्या वैल्यूज यूज करते हैं, एक तो यूज करते हैं ब्लॉक पॉइंटर, या जिसको आप बोल सकते हो ट्री पॉइंटर, जिसका काम क्या है, जो ट्री के अंदर हमारे पास जो यूज करते हैं। जैसे अगर हम बात करें यहां पे, ये मेरे पास एक नोड है। अब उस नोड के, मतलब ट्री की एक नोड है, जनरली हम राउंड शेप में ऐसे दिखाते हैं लेकिन आप इस तरीके से भी बना सकते हो, क्योंकि नॉर्मल ट्री में हम एक ही वैल्यू डालते हैं। जैसे इस नोड में हमने डाल दिया 10, यहां पे आपके पास ज्यादा वैल्यूज भी हो सकती है एक नोड में, एक नोड में मल्टीपल वैल्यूज भी हो सकती है। तो देखो, वो नोड आगे अपने चाइल्ड को जो है वो क्या कर रही है, डिनोट कर रही है। तो इसके लिए हम कौन सा पॉइंटर यूज करते हैं, ब्लॉक पॉइंटर या ट्री पॉइंटर। जैसे हमने यहां पे ये यूज किया हुआ है, इस रूट के आगे ये लेफ्ट चिल्ड्रन है, तो ये कौन डिनोट कर रहा है, ब्लॉक पॉइंटर या ट्री पॉइंटर। राइट चिल्ड्रन है, कौन डिनोट कर रहा है, ब्लॉक पॉइंटर या ट्री पॉइंटर। दूसरा, यहां पर हम बात करते हैं कीज। कीज का मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि किस बेसिस पे आपको सर्च करना है, तो वो सर्चिंग क्राइटेरिया क्या है, की। कीज कहां डालेंगे, कीज हम इन
नोड्स के अंदर डालेंगे। तो मल्टीपल कीज डाल सकते हैं, एक तो डाल ही सकते हैं, एक से ज्यादा कीज भी हम डाल सकते हैं, और उन कीज के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होंगे, डेटा पॉइंटर्स, या आप उसको कह सकते हो रिकॉर्ड पॉइंटर्स। वो उनका क्या यूज है, हर एक डेटा पॉइंट, जैसे इस तरीके से अगर मैं नोड बनाऊं और इस नोड में लेट्स से एलिमेंट डाला मैंने 10, अब 10 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा ना, एक रिकॉर्ड पॉइंटर होगा। वो रिकॉर्ड पॉइंटर क्या कर रहा है, वो रिकॉर्ड पॉइंटर आपका सेकेंडरी मेमोरी में कहां पे पड़ी है। यहां पे सिर्फ मेरे को 10 मिल रहा है की, मतलब रोल नंबर मिल रहा है 10, लेकिन उस रोल नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग नेम, फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस, जेंडर, मार्क्स, मोबाइल नंबर, सारी इंफॉर्मेशन कहां पड़ी है, वो तो सेकेंडरी मेमोरी में रिकॉर्ड्स में पड़ी है। तो ये रिकॉर्ड पॉइंटर एक्चुअल में उसको पॉइंट करता है। तो यहां पे सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कीज जितनी होंगी उतने ही आपके क्या होंगे, रिकॉर्ड पॉइंटर। ऑब्वियसली हर एक की के अकॉर्डिंग एक रिकॉर्ड पॉइंटर, जो किसको पॉइंट करेगा, सेकेंडरी मेमोरी में आपके एक्चुअल डेटा को पॉइंट करेगा। ऐसी लेट से मैंने डाला 20, तो 20 के कॉरेस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड पॉइंटर जो कि जो है इस तरीके से पॉइंट करेगा। लेकिन अगर हम बात करें ब्लॉक पॉइंटर की, तो ब्लॉक पॉइंटर किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, ब्लॉक पॉइंटर डिपेंड कर रहे हैं कि नोड के आगे चिल्ड्रन कितने हैं। चिल्ड्रन जितने होंगे उतने ही आपके ब्लॉक पॉइंटर्स होंगे। सिंपल सा इसका आर्किटेक्चर है। तो देखो कहानी जो है वो स्टार्ट होती है आपके ऑर्डर से, मतलब आपको जो है इस तरीके से दिया होगा कि ऑर्डर ऑफ अ बी ट्री इज पी, ऑर्डर ऑफ अ बी ट्री इज पी। सो व्हाट इज द ऑर्डर, ऑर्डर इज इक्वल टू मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन, मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन अ नोड कैन हैव, मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन अ नोड कैन हैव, दैट इज कॉल्ड योर ऑर्डर। तो देखो अगर हमारे पास लेट्स से ऑर्डर दिया हुआ है 4, लेट्स सी ऑर्डर हमारे पास दिया हुआ है 4, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप क्या निकाल सकते हो, अगर ऑर्डर 4 है तो आप यहां पे ये टेबल याद रखना कि जो रूट होगा, रूट में मैक्सिमम चिल्ड्रन, ये क्या शो कर रहा है, चिल्ड्रन शो कर रहा है कि मैक्सिमम चिल्ड्रन कितने होंगे, रूट के मैक्सिमम चिल्ड्रन कितने हो सकते हैं p, और मिनिमम चिल्ड्रन रूट के कितने होंगे 2। इंटरमीडिएट नोड, मतलब चाहे बीच की नोड हो चाहे लीफ नोड हो, तो उसके जो मैक्सिमम चिल्ड्रन कितने हो सकते हैं p, और मिनिमम चिल्ड्रन कितने हो सकते हैं p by 2 की सीलिंग वैल्यू। तो ये याद रखना, जो इंटरमीडिएट नोड है उसके मैक्सिमम और मिनिमम चिल्ड्रन इतने हो सकते हैं, और जो रूट नोड है उसका जो है p और 2। और अगर आपको यहां पे वैल्यू दी हो लेट्स से 4 की, मतलब वैल्यू आपको दी हुई है कि ऑर्डर ऑफ अ बी ट्री इज 4, तो अगर ऑर्डर ऑफ अ बी ट्री इज 4 तो मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने, मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन होंगे, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन आपके होंगे p, दैट इज योर रूट नोड। तो मैक्सिमम चिल्ड्रन आपके कितने हो सकते हैं 4, और मिनिमम चिल्ड्रन कितने हो सकते हैं आपके 2। तो अगर मैक्सिमम चिल्ड्रन आपके 4 कितने हो सकते हैं, मतलब इस तरीके से आप बना सकते हो, लेट से ये देखो, ये देखो ये आपका ये चिल्ड्रन 1 बन गया, ये चिल्ड्रन 2, ये चिल्ड्रन 3, ये चिल्ड्रन 4। मैक्सिमम चिल्ड्रन कितने बना सकते हो 4। तो ऑब्वियसली हर एक चिल्ड्रन को कौन डिनोट कर रहा है, ब्लॉक पॉइंटर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यानी ब्लॉक पॉइंटर्स किसके बराबर हो गए, जितना आपका ऑर्डर है। तो अगर आपके पास दिया हुआ है ऑर्डर पी, तो ब्लॉक पॉइंटर्स भी किसके बराबर हो गए, पी के बराबर हो गए, अगर आप मैक्सिमम वैल्यू ले रहे हो। तो ऑब्वियसली हम मैक्सिमम ही ज्यादातर लेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम चिल्ड्रन बना के हम डेटा को फटाफट पुट करते रहे। नेक्स्ट अगर हम बात करें की की, तो अगर वैल्यू आपको दी हुई है पी इज अ ऑर्डर, तो उसके की वैल्यूज कितनी आ सकती हैं, तो कीज आ सकती हैं पी माइनस 1। कितनी कीज आ सकती है, मैक्सिमम पी माइनस 1। और कितने रिकॉर्ड पॉइंटर्स होंगे, ऑब्वियसली मैंने पहले ही बताया कि रिकॉर्ड पॉइंटर और कीज बराबर होती हैं, तो रिकॉर्ड पॉइंटर कितने होंगे पी माइनस 1, कीज कितनी होंगी पी माइनस 1। तो देखो इस क्वेश्चन में मैंने क्या लिखा हुआ है कि ऑर्डर कितना है 4, तो कितने मैक्सिमम चिल्ड्रन हो सकते हैं 4, c1 c2 c3 c4, और कीज कितनी आएंगी 1 2 3। कीज कितनी आई 1 2 3, और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग ब्लॉक पॉइंटर, सॉरी रिकॉर्ड पॉइंटर 1, रिकॉर्ड पॉइंटर 2, रिकॉर्ड पॉइंटर 3। तो कीज हमेशा याद रखना, हम कीज इंसर्ट करते हैं इसमें सॉर्टेड ऑर्डर में। लेट्स से अगर आपके पास डेटा दिया हुआ है 10 20 30, तो आपको करना कैसे 10 20 30, इस तरीके से सॉर्टेड वे में ही हम डेटा डालते हैं, क्योंकि ये बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। और यहां पे अगर हम बात करें, ये आपका रिकॉर्ड पॉइंटर जो सेकेंडरी मेमोरी में पॉइंट कर रहा है, रिकॉर्ड पॉइंटर, और ये भी आपका क्या हो गया, रिकॉर्ड पॉइंटर। और ब्लॉक पॉइंटर्स आपके
ट्री के अंदर हम यूज करते हैं। तो ब्लॉक पॉइंटर ट्री में जितने चिल्ड्रन है उसको पॉइंट करता है, रिकॉर्ड पॉइंटर पॉइंट करता है आपकी सेकेंडरी मेमोरी में जहां पे एक्चुअली डेटा पड़ा है। और की वैल्यू आपको क्या शो कर रही है, की वैल्यू शो कर रही है कि आपको किस बेस पे सर्च करना है, मतलब आपको जो सर्च कर रहे हो वो सर्चिंग क्राइटेरिया क्या है, वो बोलते हैं हम उसको की। तो इस तरीके से हम डेटा जो है वो इंसर्ट करते हैं। इसके ऊपर आपको कई बार थ्योरेटिकली क्वेश्चन आ सकते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी, पी क्या है, और ये सारे जो है वो बेसिक लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। थैंक यू।